It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest, engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी गेट एमी चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अभी हम किस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले? इंटीग्रेशन। एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर, क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन आपके वेक्टर में यूज होगा, वेक्टर इंटीग्रल में। अगर आप बात करें कॉम्प्लेक्स में यूज होगा। और आपका इंटीग्रेशन जो है, आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप पढ़ेंगे कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन, उस टाइम पर आपके जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर, इंटीग्रेशन जो है आपका बेस है, जिसे कि हमें विथ फील के साथ कंप्लीट करना है, ताकि आप उसमें पूरे मार्क्स लेकर आए। चाहे वो वेक्टर इंटीग्रेशन हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, सभी जगह पर आप अपने आपको कॉन्फिडेंट फील करें। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन को देख सके, सभी सेशन को ज्वाइन कर सके और आपके जो भी डाउट है वह लाइव अपने क्लियर कर सके। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील कर रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। एंड जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, उन स्टूडेंट्स का मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। डियर, अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है आपको, वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो ये सारी चीजें आपके गेट एग्जाम के लिए मस्ट है। और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो ज्वाइन अनअकैडमी प्लस नाउ बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव।
सर पल्लव लाइफ कोड यूज क्यों करना है? माय डियर, जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करते हैं आप पल्लव लाइफ टीम का हिस्सा बनते हैं। फर्स्ट थिंग, इससे आपको जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे ही आप टीम से जुड़ते हैं आपको शॉर्ट नोट्स, आपके डाउट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक एंड वीकली क्विज, आपके जो भी डाउट है आप उन पर डायरेक्ट मुझसे डिस्कशन कर पाएंगे, आपको डायरेक्ट पर्सनल गाइडेंस मिलेगा इन सभी चीजों में, क्वेश्चन बैंक सभी चीजों के लिए, डियर डेली डोज कंसेप्ट डीपीपी सभी के लिए। तो आप अगर ये सारी चीजें चाहते हैं तो ज्वाइन अनअकैडमी प्लस नाउ बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर, व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी? शिव शंकर जी, प्रोबेबिलिटी इज कंप्लीटेड, ओके। चलिए, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून सभी लोग, यार एक बार सेशन के लिंक को शेयर कराइए ताकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से हीरो लेवल तक इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सके। जिस जीरो लेवल से हीरो लेवल तक हमने डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट करा, जिस जीरो लेवल से हीरो लेवल तक हमने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करा, उसी लेवल के साथ हम जो है अपना इंटीग्रेशन भी कंप्लीट कर सके, ओके। चलिए चलिए चलिए, फास्ट 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 फास्ट। एंड नाउ आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी को पल्लव लाइव टीम से जुड़ना है, क्योंकि डियर यहां पर आपके जो भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, डेली डोज कंसेप्ट, डीपीपी सारी चीजें आपको मिलती है और इसमें आपको डायरेक्ट पर्सनल गाइडेंस मिलता है। आपका हार्डवर्क और मेरा पर्सनल गाइडेंस आपका जो एम है गेट 2022, गेट 2023 और ईएससी एग्जाम, इसे क्रैक करने में मदद करेगा। चलिए गाइस, तो विदाउट एनी डिले हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए 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 चलिए, लेट्स स्टार्ट माय डियर, कम हियर कम। सबसे पहले बात तो ये आती है कि सर इंटीग्रेशन अपनी जगह है कि इंटीग्रेशन क्या है, कैसे फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें तो हम करेंगे ही। तो सबसे पहला डाउट आता है कि सर व्हाट इज इंटीग्रेशन? फर्स्ट डाउट इज व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन है क्या? माय डियर, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट व्हाट सर? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सर कैसे रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की? कम है, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल माय डियर। नाउ कम हियर विद एन एग्जांपल, लेट अस सपोज आपने एक एग्जांपल लिया। सर कौन सा एग्जांपल? सिंपल सी बात कीजिए, एक काम कीजिए, आपने एग्जांपल लिया क्या सर? x क्यूब, लेट अस सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। नाउ टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x, टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। सर द डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इज df ऑफ x डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। टेल मी दिस इज नथिंग बट व्हाट? सर दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन, दिस इज नथिंग बट व्हाट? So this is nothing but the differentiation of f of x with respect to x. Yes or no? Okay sir. Now my dear, come here for the integration. Come here for the integration. Let's integrate this one. Now agar aap isse integrate karte, kise 3x square ko. Agar aapne kaha sir, agar hamara function hai f of x is equals to 3x square. ओके, एफ ऑफ एक्स से आप कंफ्यूज होंगे कि सर एफ ऑफ एक्स तो एक्स क्यूब था, लेट अस सपोज दिस इज जी ऑफ एक्स, लेट अस सपोज दिस इज जी ऑफ एक्स, और जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करते हैं किसे सर? जी ऑफ एक्स को। अगर आप जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपकी वैल्यू क्या आती है सर? नथिंग बट वॉट 3x क्यूब, दिस इज 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, द वैल्यू इज कम आउट टू बी नथिंग बट वॉट सर? एक्स क्यूब प्लस ऑफ सी। तो इतना समझ आया कि सर दिस इज नथिंग बट व्हाट? सर दिस इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यस और नो? सर इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ अब डाउट ये आता है कि सर यहां पर तो कोई भी कांस्टेंट हमें नहीं दिख रहा है, बट आपने यहां पर कांस्टेंट लिखा हुआ है दिस वन सी, सर ये क्यों आया? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ऐसे डाउट्स आते हैं? ओके जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ये डाउट आते हैं? यस, ऐसे डाउट आने चाहिए, तभी तो आप फील कर पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हो, आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। नाउ अब बात आती है कि सर जी ये जो आपने सी लिखा, ये सी क्या इंडिकेट कर रहा है? कम है, कम है, कम है, कम है,
अगर मैं आपसे बात करूं डियर, लेट अस सपोज आपने कोई फंक्शन माना एच ऑफ एक्स. नाउ अगर आप इस एच ऑफ एक्स की बात करें, दिस इज एक्स क्यूब प्लस टू. और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन की बात करें, टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ एच ऑफ एक्स. सर द डिफरेंशिएशन ऑफ एच ऑफ एक्स इज नथिंग बट व्हाट सर, 3x2. सेम, टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5. सर दिस इज नथिंग बट 3x2. टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10. सर दिस इज नथिंग बट 3x2. माय डियर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है? सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो होता है, इसीलिए ये कॉन्स्टेंट आया डियर, क्योंकि यहां पर पॉसिबल नहीं है ना. यस और नो, यहां पर पॉसिबल नहीं कि यहां पर कोई कॉन्स्टेंट है या नहीं. हमें नहीं पता इंटीग्रेशन करते समय कि सर हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो लिया हो. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट हमने जीरो लिया हो, इसीलिए हम उस कॉन्स्टेंट को लिखते हैं कि ये एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू. इट मे बी पॉसिबल कि सर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सर इसकी वैल्यू कैसे कुछ भी हो सकती है? माय डियर, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है यहां पर. यस, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है. सर इसके एग्जांपल के हिसाब से इसकी वैल्यू सर 10 भी हो सकती है. एंड नाउ माय डियर, सर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी क्या? नो, जरूरी नहीं है. इसके हिसाब से डियर अगर आप पहले एग्जांपल पर जाते तो सर इसकी वैल्यू 0 भी पॉसिबल. इसकी वैल्यू क्या सर? इसकी वैल्यू 0 भी पॉसिबल है. और देखिए यहां पर इसकी वैल्यू क्या है सर? उस कांस्टेंट की वैल्यू 0. तो आप इस चीज को ध्यान में रखने के लिए कि अगर कहीं पर डिफरेंशिएशन में हमने ऐसा तो नहीं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हमने 0 ले लिया है, इसीलिए हम इंटीग्रेट करते समय के इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करते हैं कि कहीं पर अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट अगर 0 हो गया है तो उसको भी हमें इंक्लूड करना है. दैट्स द रीजन कि आप वहां पर कांस्टेंट लेकर आते हैं. नाउ अब स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आता है कि चलिए सर आपने ये कहा, आप टीचर हैं, आपने कहा, हमने मान लिया, बट हमें ये बताओ ये वैल्यू कैसे हमें पता चलेगी कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? सर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी? सर इसमें हमें यही फंक्शन चाहिए, मुझे तो सर एक्स क्यूब प्लस 5 ही चाहिए, बताइए कैसे आएगा एक्स क्यूब प्लस 5? माय डियर, ये सारी चीजें आपकी किससे आएंगी? ये सारी चीजें आपको पता चलेगी कि आपका एक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या है. वह चीजें आपको दो चीजों से पता चलती. फर्स्ट वन इज बाउंड्री कंडीशन. सर बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन क्या है? आपको गिवन दिया रहेगा कि एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, एट एक्स इक्वल टू एक्स वन द वैल्यू ऑफ वाई इज वाई वन और एफ ऑफ एक्स इज वाई वन. तो माय डियर, इसके थ्रू आप क्या निकालेंगे? सर इसके थ्रू में इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल सकते. सेकेंड थिंग सर, सेकेंड क्या है माय डियर? सेकेंड है आपका क्या? आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन. अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन रहा तो आपको ये कॉन्स्टेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चीज को इंक्लूड करता है कि आपने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करा है. यस और नो, अभी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया होगा कि सर क्या है इंटीग्रेशन, क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. बट पहले मुझे ये बताइए कि सभी को समझ आया ये एक जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दिस इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो मुझे ये बताइए ये चीज क्लियर हुई कि क्यों इसे हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं? जल्दी से सभी लोग हार्ट कमेंट करके मुझे बताइए कि यस सर समझ आया, और अगर नहीं आया तो मुझे यहां से एक स्टेप आगे मत बढ़ने दीजिए. जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट करके, फास्ट. यार एक भी ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए जो आपका क्लियर ना हो, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे यहीं रोक दो, और अगर डाउट क्लियर है तो जल्दी से सभी लोग हार्ड कमेंट करके बताइए कि यस सर हमें सारी चीजें समझ आ गई हैं. जल्दी से बताइए यस. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. चलिए आगे की तरफ बढ़ते. नाउ अब हम दूसरी चीज की तरफ बढ़ते कि सर आपने ये कहा कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमें समझ आ गया. अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे की तरफ कि सर ये जो इंटीग्रेशन है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है और उसके बेसिक फॉर्मूलेस क्या है, ये सारी चीजों पर बढ़ते हैं. तो इसमें जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या आती है डियर? इसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपका इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है. इंटीग्रेशन के अगर आप टाइप की बात करें तो इंटीग्रेशन इज आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन,
indefinite integration, and second one is what? Definite integration is nothing but what? Definite integration. Now listen to me carefully and feel the difference. इन दोनों के बीच का डिफरेंस फील करिए कि ये है क्या. पता तो सभी स्टूडेंट को है बट इसका रीजन क्या है और ये क्या है एक्चुअल में, ये चीज फील कराता है माय डियर. कम है अगर इससे सिंपल सी भाषा में समझा जाए पहले, तो सिंपल सी भाषा में तो आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और अगर यहां पर सर इंटीग्रेशन लिमिट अगर हमारे पास नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. क्या कहते हैं डियर? इसे कहते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. यस और नो? यस सर. और वहीं पर अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो सर अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूं, इफ वी इंटीग्रेट दिस एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम द लिमिट ए टू बी, मींस इफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमारे पास अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं सर? डेफिनेट इंटीग्रेशन. और आपका जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आता है, आपका जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आता है वह किसमें आता है सर? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. This one is having what? Integration constant C. Now listen to me. ये तो आपने क्या कहा कि सर बेसिक है और ये तो हम बचपन से पढ़ते आए, बट अब बात आती है इसे फील करने की. अब बात आती है इसे फील करने की कि सर जी यहां पर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आता क्यों है और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये एक्चुअल में है क्या, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है वह एक्चुअल में है क्या? Yes or no? कम है, कम है. Now my dear, सिंपल सी बात करते हैं. Let us suppose this is your what? So this is my x axis and this is my y axis. Now let us suppose we have a line. Okay, line है but आपको show हो इसलिए मैं थोड़ा सा dark कर दे रहा हूं. तो ये मत सोचिएगा कि सर जी लाइन इतनी मोटी आपने कैसे बना दी, ये तो rectangle हो गया. तो ये doubt मत लाइएगा, ठीक है? Okay, चलिए. Now, अगर आपने इसमें बात करी, लेट अस सपोज हमने एक इसका पार्ट कट किया, लेट अस सपोज आपने जब इसका एक छोटा सा हिस्सा कट किया दिस वन, लेट अस सपोज आपने इसका छोटा सा हिस्सा कट किया पीएक्स. ओके, यस सर. नाउ इस छोटे से हिस्से को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, नाउ अगर आप इस छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स को, तो सर इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या? सर डीएक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स प्लस सी. क्या आएगा आपका हिस्सा? सर दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस. नाउ वहीं पर अगर आप इसका क्या करते हैं सर, इसका मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करता हूं. लेट अस सपोज द एक्स वैल्यू इज फ्रॉम 2 to 3, 2 to 5. नाउ टेल मी द डिफरेंस सर. टोटल लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ कितनी हुई इसकी सर? 3. यस सर, 5 - 2 इज नथिंग बट 3. तो अगर आप इसके इंटीग्रेट करते हैं यहां पर सर, दिस फ्रॉम लोअर लिमिट क्या है सर? अगर इसके लोअर लिमिट की बात करें तो ये 2 है. अपर लिमिट क्या है सर जी? 5 है. dx को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, दिस इज x फ्रॉम द लिमिट 2 to 5, और जैसे ही आपने वैल्यू को पुट करा दिस इज 5 - 2 इज इक्वल टू 3. माय डियर, अगर आप x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर आप dx जो आपने एक एलिमेंटल पार्ट लिया है उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 से लेकर 5 तक डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आपकी क्या आ गई है सर? मेरी लेंथ आ चुकी है. क्या आ चुकी है? लेंथ. और जो देखिए आपकी लेंथ एग्जैक्ट आई है 3. यस सर, नो? यस सर. सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि जब आपने लिमिट लगा दी 2 से लेके 5, आपने एक कंडीशन लगा चुके हैं. क्या? कि सर वहां पर हम एक कंडीशन लगा चुके हैं कि 2 से लेके 5 तक के जितने भी ये छोटे छोटे से पार्ट हैं, इन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर दीजिए. इन सभी सभी छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर दीजिए. आपने क्या कहा? सभी छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उन्हें ऐड कर दीजिए. कहां से कहां तक सर? 2 से लेके 5 तक उसे ऐड कर दीजिए. और आपने कंडीशन लगा दी, इसीलिए आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी. यस और नो? जल्दी से बताइए. यस सर. टेल मी फास्ट. यस सर. तो क्या लेंथ मिली हमें सर? 3. नाउ चलिए एक एग्जांपल देते हैं. आपने क्या कहा कि आप अभी किसी भी सिटी में, लेट अस सपोज अभी मैं दिल्ली में हूं, तो मैंने क्या कहा? मैं दिल्ली में यहां पर हूं. नाउ अब आपने ये कहा कि सर लेंथ अगर बात की जाए इंदौर से, दिल्ली से लेके, आपने क्या कहा सर? न्यू दिल्ली तक की बात करें, या फिर दिल्ली में अभी जहां से है वहां से आपने इंदौर तक की बात करी, तो आप एग्जैक्ट डिस्टेंस बता देते हैं. क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन लगा रखी है कि सर यहां से लेके, दिल्ली से लेके आपने कहां तक की कही है
सर इंदौर तक की या भोपाल तक की आपने एग्जैक्ट की बात करी, आपने दो लोकेशन दी है और यहाँ पर भी वही हो रहा है, दो लोकेशन आपने दी हुई है 2 और 5 और आप उन लोकेशन के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यस सर नो, यस सर। एंड माय डियर इसकी अगर बात करें, ये जो आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है ये क्या बता रहा है आपको, आपको ये बता रहा है कि अगर आप यहां से बात करें कि सर मैं मेजर कर रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं सर, उसकी लेंथ को अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो एक्चुअल में मिल का रहा है, तो आप क्या कहोगे कि सर अगर इन छोटे छोटे से पार्ट्स को आप ऐड करते जाओगे, ये छोटा सा पार्ट लिया, फिर छोटा सा पार्ट लिया, ये फिर छोटा सा पार्ट लिया और इन सभी को आपने ऐड कर दिया, तो फिर क्या कहेगा सर, ये आपको लेंथ देगा, बट ये डिपेंड करेगा कि कितने पार्ट्स आपने ऐड करे और कहां से कहां तक ऐड करे, तो इसीलिए आपने यहां पर फिक्स नहीं है आपके बाउंड्री कंडीशन कि आप कहां से कहां तक ले रहे हैं, इसीलिए आप यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि ये कहता है कि ये डिपेंड करेगा सी पर, सर ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पर कि आप कंडीशन कहां से कहां तक ले रहे हैं, आप यहां से यहां तक ऐड कर रहे हैं, आप यहां से यहां तक ऐड कर रहे हैं, आप यहां से यहां तक का ऐड कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा, ये आपको कौन बताता है सी, यस सर नो, ये आपको कौन बताएगा सर, ये हमें सी बताएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें सर, ये सी और एक्स में अगर हम बात करें कंडीशंस लग जाएगी तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और वहीं पर आपका ये बताता है आपको क्या कि सर यहीं पर हमें ये एग्जैक्ट बताता है कि सर 2 से लेके 5 तक का ऐड कर दीजिए, और ये क्या बताता है कि सर हम कुछ ऐड कर रहे हैं बट हमें ये नहीं पता कहां से कहां तक का ऐड कर रहे हैं, दिस इज फॉर द लेंथ, सेम अगर आप बात करें तो सेम फॉर द एरिया, सेम फॉर द वॉल्यूम, यस और नो। अब बताइए सभी लोग कमेंट करके कि आपको समझ आया कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, टेल मी फास्ट, जल्दी से कमेंट करके बताइए, टेल मी फास्ट, जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, एक एक पॉइंट क्लियर करना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, और मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी स्टूडेंट को एक भी डाउट रहे, एक छोटा सा भी डाउट रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए सभी लोगों के डाउट क्लियर हुए कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जल्दी से बताइए। चलिए, ये सारी चीजें समझ आए। अब हमने बात क्या कर रहे हैं कि सर अब हम जा रहे हैं किस पर, सर बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले की, सर बेसिक फॉर्मूले क्या है इंटीग्रेशन के, अब हम उस पर जा रहे हैं, और वह फॉर्मूला क्यों है, कैसे आया, वह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके कम है, फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला लिस्ट की बात करें, कुछ रिजल्ट आपके हैं, मूव ऑन टू फर्स्ट, सबसे पहले अगर आप बात करें तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स, दिस वैल्यू इज नथिंग बट एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी, जल्दी से यही कहते हैं आप इंटीग्रेशन, यस सर। ध्यान से सुनिए, एक दो आपको एग्जांपल बता देता हूं, आपको समझा देता हूं, बाकी फॉर्मूले तो आप खुद ही आसानी से समझ जाएंगे। सर अगर इसकी बात करें तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा ही क्यों आया, सर इसका इंटीग्रेशन ऐसा ही क्यों आया, यही क्यों है माई डियर, अगर आप इसकी बात करें, आप इस फंक्शन का लीजिए क्या डिफरेंशिएशन, लीजिए आप इसका डिफरेंशिएशन, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, कम है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो क्या होगा सर, दिस इज 1 upon n plus 1, आपका क्या होगा सर जी, 1 upon n plus 1 तो कांस्टेंट हो गया, अगर हम डिफरेंशिएशन लें, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dy dx ऑफ x टू द पावर n plus 1, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 upon n plus 1 मल्टीपल, दिस वैल्यू इज n plus 1 into x टू द पावर n plus 1 minus 1, ये वैल्यू क्या होगी सर, दिस इज 1 upon n plus 1 multiple of what, so they say this n plus 1, this n plus 1 is cancelled out, your value is come out to be how much sir, value is come out to be x to the power n, aapne kya kiya hai sir, aapne sirf integration ke value nikalne ke liye aapne reverse of differentiation kiya aur aapki value aa gayi, yes or no, see aap yahan se yahan jayenge to this is integration, this is the value of what, so this is the value of integration and this is the value of what, so this is the value of differentiation, yes or no, same agar hum baat kare integration of e to the power ax, agar aap e to the power ax ka integration karenge to kya hoga, same integration of e to the power ax dx, this value is nothing but e to the power ax divided by a plus of c, yes or no, agar aapne iska kaha
कि सर ये कैसे होगा, कम यार सेम आपने क्या करा सर, इसका हम करेंगे अगर डिफरेंशिएशन, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा सर, दिस वन अपॉन ए वैल्यू जो आपकी रहेगी ये क्या हो जाएगा सर जी कॉमन, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर ax का तो ये क्या होगा, a into e टू द पावर ax, यस और नो, दिस a एंड दिस a वैल्यू इज कैंसिल आउट, योर वैल्यू इज e टू द पावर ax, तो आप कुछ नहीं करते हैं डियर इसमें, सिर्फ आप क्या करते हैं सर मैं इसका रिवर्स करता हूं किसका डिफरेंशिएशन का, यस और नो, यस सर। तो अब हम बाकी सभी फॉर्मूले इसको देखते हैं कि सर बाकी सभी फॉर्मूले क्या है, और उन सभी फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जैसे आपने डिफरेंशिएशन में रटे थे सेम आपको ध्यान रखना है किसमें, इंटीग्रेशन में आपको इन सभी फॉर्मूले को ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओके चलिए मूव ऑन टू अवर थर्ड फॉर्मूला, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स, so this is nothing but what, so this is nothing but log x plus c, yes or no, yes sir, agar aap baat kare to karke dekh lo yaar, iska differentiation karenge log x ka to kya aayega sir ji 1 by x hi aayega, kaam ho gaya, yes or no, agar aap baat kare sir integration of sin x dx, agar aap integration of sin x dx ki baat kare to mujhe bataiye इसका डियर ये मत करिएगा कि सर साइन एक्स का होगा क्या कॉस एक्स, नो इसका होता है क्या माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, नो सर माइनस साइन क्यों आ रहा है डियर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर माइनस ऑफ साइन एक्स, अगर आपने इसे डिफरेंशिएट करा कॉस एक्स को तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड माइनस ऑफ साइन एक्स एंड दिस माइनस साइन इज सर प्लस साइन एक्स, यस और नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, यस और नो, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें आपको डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, सिंपल से वे में अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर पता है तो आप इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे, यस वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब फटाफट सभी के फॉर्मूले लिख लें ताकि भैया क्वेश्चन भी करने आए ना, तो फटाफट फॉर्मूले लिख लेते हैं, और आपको ये फॉर्मूले का अगर किसी में भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कहिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। Now, अगर आप बात करें वहीं पर सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज व्हाट सर, दिस इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस सी, नाउ अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, यार टेन एक्स के केस में ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली ये sec x, sec स्क्वायर x उसमें ना जाए, टेन एक्स के केस में आपका क्या आता है सर नथिंग बट लॉग ऑफ sec x, सर दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, सर दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी, एंड सर ये मॉड क्यों आया है डियर, मॉड इसलिए आया है कि लॉग के बगल में आप जो भी क्वांटिटी लिखते हो वह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगाया लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकंड्स। ओके यस सर, सेवंथ फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट व्हाट सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये ना समझे कोई भी कि सर जी tan x के केस में इंटीग्रेशन sec x आया था तो सर इसके केस में क्या आएगा cos x, नो माय डियर यहां पर क्या आएगा सर sin x आएगा, जो माइनस साइन है वह आपके क्या करता है सर cos x को sin x में कन्वर्ट कर देता है, यस और नो, यस सर, नाउ दिस इज द सेवंथ फॉर्मूला, नाउ मूव ऑन टू व्हाट सर, मूव ऑन टू सेकंड वन, व्हाट sec x, अगर हम sec x की बात करें इंटीग्रेशन ऑफ sec x, tell me the integration of sec x dx, sir integration of sec x dx is nothing but what sir log of mod of sec x plus tan x, yaar aap sabhi log bhi comment karke bataiye, dekhte hain kitne logo ko formula ya basic abhi pata hai, kitne logo ko basic pata hai, yaar agar aap padhenge fir to aapka apne aap level badh jayega, aapse sare question banenge, jaise ki maine special class mein aapko limit karwaya, maine aapko kya kaha hai jis bhi branch ke question chahe, jis bhi branch ke aap question chahe gate ke previous year ke utha ke dekh lo aapse banenge, और ये नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैंने क्लास में करा, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस कराए, और आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ कराएं कि आप देखिएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे इन अ सेम वे, जिस इंटीग्रेशन से आप डरते हैं आप देखिएगा आप सभी ब्रांच के क्वेश्चन कर पाएंगे, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो,
चाहे आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप सिविल के भी सॉल्व कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप मैकेनिकल के भी सॉल्व कर पाएंगे, आप सिविल के भी सॉल्व कर पाएंगे। तो पढ़ना हमें इसी लेवल से, हमें ब्रांच का ध्यान रखकर नहीं पढ़ना है कि हम ये सोचे यार मैं मैकेनिकल का हूं तो मैकेनिकल का इंटीग्रेशन इतना सा है या फिर ये है हम वो पढ़े। भैया ऐसा इंटीग्रेशन मतलब मुझे सभी इंटीग्रेशन में सारी चीजें बन रही, ऐसा पढ़ना। ओके चलिए फॉर्मूले इस पे कंप्लीट नहीं हुए, न्यूमेरिकल हम अभी इसके बात करते हैं। चलिए यहां पर सभी रिजल्ट ही लिख लेते हैं अभी। चलिए कहां पर पहुंच गए सर, sec x तक पहुंच चुके हैं। sec x के बाद पहुंचते हैं हम किस पे, cos x पर। दिस इज द नाइंथ वन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज नथिंग बट log ऑफ mod ऑफ cos x माइनस ऑफ cot x, cos x माइनस ऑफ cot x प्लस c। मैं सभी में ये कांस्टेंट c क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि डियर यहां पर लिमिट नहीं लगी हुई है। यस सर, यहां पर लिमिट नहीं लगी हुई है इसलिए मैं सभी पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा रहा हूं। ओके यस सर। टेंथ फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। सर नथिंग बट व्हाट सर, tan x प्लस c। करके देख लो यार tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर नथिंग बट sec स्क्वायर x। अगर आप बात करें सेम 11th फॉर्मूला, सर इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx इज नथिंग बट व्हाट सर, माइनस ऑफ cot x प्लस c। ये आपके क्या हो गए सर, ये हमारे हो चुके हैं किसके सर, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे वे कंप्लीट हो चुके, जो डायरेक्ट फॉर्मूले थे। अब हम बात करते हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। जल्दी से बताइए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो आप आसानी से कर देंगे। जल्दी से बताइए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। तो आप क्या कहेंगे सर जी, sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन था, ये सोचिए सर, sec x tan x हमारा किस चीज का डिफरेंशिएशन था। तो आप क्या कहेंगे सर, sec x tan x इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। तो ये क्या होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा सर, नथिंग बट व्हाट सर जी, sec x + c। दिस इज नथिंग बट व्हाट, sec x + ऑफ c। Move on to next formula, integration of cos x cot x dx। जल्दी से बताइए integration of cos x cot x dx की अगर हम बात करें तो ये किसका होगा सर, this is nothing but what सर, this is nothing but the differentiation of minus differentiation of what सर, cos x, but उसमें minus sign आता है। तो आप क्या रखेंगे सर, माइनस साइन का अंडर कंसिडरेशन में ध्यान रखने के लिए हम क्या करेंगे सर, दिस इज माइनस ऑफ cos x प्लस c। जल्दी से बताइए यस और नो, यस और नो, यस सर। तो ये हमारी बात हुई किसकी सर, दिस इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। नाउ ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बाद हम पहुंचते हैं किस पर सर, हाइपरबोलिक फंक्शंस पर। किस पर मूव करते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन। नाउ मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल से बहुत ही डायरेक्टली एक बात कही थी कि डियर हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स हो चाहे वह कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो, उसके केस में जो आपका डिफरेंशिएशन में आपका माइनस साइन नहीं आता और ना ही आपके इंटीग्रेशन में आता। अगर आप साइन हाइपरबोलिक एक्स की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज नथिंग बट व्हाट सर, cos हाइपरबोलिक x। और अगर आप cos हाइपरबोलिक x के इंटीग्रेशन की बात करें तो sin हाइपरबोलिक x आता है, बट आपकी sin x और cos x में सर माइनस साइन का डिफरेंस रहता है सर, एक माइनस साइन sin x के इंटीग्रेशन में माइनस ऑफ cos x आता है। तो आप हाइपरबोलिक फंक्शन को डायरेक्टली ऐसे याद ना रखें, उससे आप डायरेक्टली ये ध्यान रखें कि सर चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, हाइपरबोलिक में किसी भी प्रकार से माइनस साइन का कोई भी रोल नहीं रहता। यस और नो, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आप इसकी बात करें तो डियर कितना होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स इज नथिंग बट व्हाट सर, इज नथिंग बट कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। और अगर मैं आपसे बात करता हूं, टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी इज हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स इज सर जी साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी।
यस और नो? यस सर। अब हम मूव करते किसकी तरफ? अब हम मूव करते इनवर्स की तरफ। किसकी तरफ? अब हम मूव करते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon a square plus x square dx, मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ a square plus of x square dx किसका इंटीग्रेशन रहता है? सर नथिंग बट व्हाट, 1 upon a tan inverse x by a plus c। यस ये इसे a के फॉर्म में याद रखिए। आपने क्या याद रखा हुआ सर? जब a की वैल्यू 1 रहती है उसमें याद रखा है कि सर tan inverse का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square, तो आप a की वैल्यू कितनी रहती है? 1। बट मैं आपको जनरल फॉर्म में बता रहा हूं कि 1 upon a square plus x square का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर नथिंग बट 1 upon a tan inverse x by a plus c। और मेरे लाल सुनिए, इंटीग्रेशन के अगर फॉर्मूले रटने बैठे तो इतने फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले हैं डियर कि आप रट रट के थक जाएंगे। बट मैं जो आपको बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूं, यस सर, जो बेसिक फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, बस अगर आपने उन्हीं बेसिक फॉर्मूले पर कमांड कर ली तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन इन फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 or 3 फॉर्मूले आपके और बचे हो, इन फॉर्मूले को याद रखिए, आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। यस सर, जो बेसिक फॉर्मूले से मैं उनकी बात कर रहा हूं, फिर अलग अलग टेक्निक है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की, फिर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स भी बताऊंगा। ओके चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। इस चलिए इस इंटीग्रेशन को मैं एक अलग साइन से लिख रहा हूं, और सर उसका रीजन भी बताऊंगा कि इस इंटीग्रेशन को अलग साइन से क्यों लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon सर इसे अलग कलर से क्यों लिखा, a² x² - dx। मेरे लाल इसे मैं अलग कलर से इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप जब इनवर्स के फॉर्मूले याद करते हैं, जब आप इनवर्स के फॉर्मूले याद करते हैं तो इनवर्स के फॉर्मूले में ये याद कर लेते हैं कि जहां पर सर हमने जनरल फॉर्मूले 1 के फॉर्म में याद किए थे उसकी जगह अगर a आता है तो हमें 1/a से मल्टीप्लाई करना है। नो माय डियर, 1/a से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना। किसके केस में? सर साइन इनवर्स के केस में मुझे किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई नहीं करना है a का। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, इसी चीज के लिए मैंने ये जो है ये फॉर्मूला आपका अलग कलर से। सेम अगर आप बात करें 18 फॉर्मूला, और जो आपका ये क्या है बेसिक फॉर्मूले में आपका लास्ट फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x root over a² - x² dx। अगर आप इसकी बात करें तो ये कितना होगा, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 upon a sec इनवर्स x by a प्लस सी। जल्दी से बताइए, सभी को समझ आया? किसी भी स्टूडेंट को एक भी बेसिक ऐसा फॉर्मूला जिसमें सर ये लगे कि सर मुझे समझ नहीं आया, या फिर सर ये फॉर्मूला कैसे आया, या फिर मैंने ये फॉर्मूला नहीं सुना, एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइए। और अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है तो सभी लोग जल्दी से हार्ड कमेंट करके कीजिए कि यस सर हमें सारी चीजें समझ आ गई। जल्दी से कमेंट कीजिए, फास्ट जल्दी से सभी लोग हार्ड कमेंट कीजिए कि यस सर हमें सारी चीजें समझ आ चुकी है। जल्दी से बताइए ताकि हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें और आप देखते हैं कि आपको न्यूमेरिकल कितने समझ आते हैं, आप कैसे अप्लाई करते हैं। ये तो अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, टेक्निक्स की तो बात की बात है, अलग अलग जो कंडीशन है उन अलग अलग जो फॉर्म है उन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पर तो हम बाद में मूव करेंगे। बट पहले तो हमको ये देखना है कि सर ये ओवरऑल सॉल्व कैसे होंगे, सर फॉर्मूले क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, सर डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में रिलेशन क्या है, ये सारी चीजों पर अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी से बताइए सभी लोगों को समझ आया? जल्दी से बताइए। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कल्याणी जी, ब्रिजेश वेरी गुड, बाकी लोग चलिए 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 आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अब बढ़ते हैं हम किस पे, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं कि सर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। चलिए एक सिंपल से न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, या बेसिक बेसिक क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना है आपको। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x³ / x dx। चलिए जल्दी से सभी लोग ये क्वेश्चन मुझे करके बताए, दिस नॉट x, दिस इज रूट x। चलिए जल्दी से सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
टेल मी। यस यस फास्ट 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 जल्दी से करिए भाई ये वाला क्वेश्चन, हम भी तो देखें कि आपको जो है इंटीग्रेशन किस लेवल पर आता है। सर प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। डियर प्लेलिस्ट के लिए क्या करना है आपको? यस ब्रजेश जी बिल्कुल सही बताया आपने, आपको अनअकैडमी गेट एमी चैनल जिस पर आप पढ़ रहे हैं उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। ओके चलिए 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 जल्दी से बताइए कोई स्टूडेंट जिसका आंसर आ गया हो, एनीवन एनीवन। यस सर चलिए आइए भाई, चलिए 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 आगे की तरफ बढ़ा जाए, चलिए आइए कम यार इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। अभी तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, डियर मैंने आपसे कहा है क्या जीरो से हीरो लेवल तक, तो अभी मुझे ये लगता है कि आप सब जीरो लेवल पे, इसीलिए आपको बेसिक क्वेश्चन भी करा रहा हूं। ओके यस चलिए अगर आप इसकी बात करें, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी अगर मैं 1 प्लस एक्स द होल क्यूब की इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये क्या होगा? सर 1 प्लस एक्स द होल क्यूब का इंटीग्रेशन होगा 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, मींस दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय रूट एक्स डीएक्स। यस और नो? यस और नो? अगर मैं आपको एक सिंपल सा रिजल्ट बताऊं तो आप इसे एज अ नोट याद रख सकते हैं, और इसे याद क्या रखना है, जिसे आप डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही इसमें भी करना। सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स डीएक्स इज नथिंग बट व्हाट? सर इसमें क्या होगा? सर इंटीग्रेशन जो है दोनों के पास ट्रांसफर हो जाएगा, मींस सर सेपरेटली आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स निकालिए प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स निकालिए, इंटीग्रेशन आपका क्या होगा? सर सेपरेटली दोनों के पास ट्रांसफर हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो सेम कंसेप्ट आप यहां पर लगाइए, आपने क्या करा सर इंटीग्रेशन हम सभी जगह ट्रांसफर कर देंगे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी दिस इज 1 अपॉन रूट एक्स मींस एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डीएक्स प्लस दिस इज एक्स क्यूब माइनस 1 बाई 2 डीएक्स प्लस कांस्टेंट की अगर बात करें तो कांस्टेंट क्या होगा? सर कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, मींस दिस इज 3 टाइम दिस इज एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 बाई 2 डीएक्स प्लस ऑफ 3 टाइम्स दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 डीएक्स। किया क्या है भाई मैंने, ये जो रूट एक्स है इस रूट एक्स को सेपरेटली सभी को प्रोवाइड कर दिया, और अगर आप रूट एक्स की बात करें 1 अपॉन रूट एक्स एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2, अगर आप इसकी बात करें एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स 3 माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर सेम। तो अब आप अगर इसे सिंप्लीफाई करते दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। चलिए इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू इज नथिंग बट 5 बाई 2। अरे बताओ यार यही होगी? यस सर। अगर आप दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 बाई 2 एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट? दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3 बाई 2। बस अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सर सबसे पहला फॉर्मूला यूज करना है एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, तो अगर आप इसकी बात करें तो सर दिस वन प्लस दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 5 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 टाइम दिस इज एक्स टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा सर यहां पर एक आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर जी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सिर्फ एक क्यों आ रहा है, सर एक से ज्यादा आना चाहिए? नो माय डियर, सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा क्योंकि भैया सिंगल इंटीग्रेशन लगा हुआ। ओके फर्स्ट चलिए दूसरी बात करते हैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें ये जो n है ना n की वैल्यू आपकी सभी पॉसिबल वैल्यूज सभी वैल्यूज हो सकती है, बस
इस n की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, दिस n वैल्यू इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये जो है आपकी n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ माइनस वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस n की वैल्यू माइनस वन हो गई डियर तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो आप जानते हैं कि सन इनफाइनाइट हो जाएगा और डिनोमिनेटर जीरो पॉसिबल, हम क्या कहते हैं सर p by q फॉर्म में डिनोमिनेटर जीरो हमारा नहीं होना चाहिए। यस और नो, जल्दी से बताइए, आई थिंक आपको ये बेसिक सा प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट से बन गया होगा। सर एक बार और समझा दीजिए, यार कुछ नहीं किया है यार, इसमें क्या किया है, सिर्फ वन बाई जो आपका रूट एक्स था इस रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, रूट एक्स सेपरेटली सबको प्रोवाइड कर दिया था, और कुछ तो इसमें किया नहीं। चलिए ये हुआ एक फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस एक्स डीएक्स। चलिए करिए तो यार सभी लोग फास्ट, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जल्दी से करिए, फास्ट जल्दी से करिए यार, फास्ट फास्ट फास्ट। और भाई जितने लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दी गई है, उस पर भाई क्लिक कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सभी सेशन की लिंक वगैरह मिलती रहेगी, कोई भी आपका सेशन मिस नहीं होगा, आप कंसिस्टेंट बेसिस पर ज्वाइन करते रहेंगे तो आपको कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। और कल से हमारा जो सेशन है वह 11 AM पर होगा। सर आज सेशन 12 PM पर क्यों था डियर, आज का सेशन जो है 12 PM पर इसलिए रखा गया था क्योंकि डियर आज आपका 11 AM पर कॉम्बैट था और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी स्टूडेंट अपने या तो कॉम्बैट मिस करे या फिर क्लास को मिस करे, इसकी वजह से आपका जो है क्लास की टाइमिंग जो है 11 AM से शिफ्ट करके आपकी 12 PM कर दी गई थी। ओके चलिए भाई, जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपने क्वेश्चन को देखते तो समझ आया कि सर cos x upon 1 minus cos x ऐसा तो कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा हमने, यस सर यस सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं देखा। बट यार अगर ये यहाँ पर ऐसा हो जाए 1 minus cos square x डिनोमिनेटर में, सर ये जो है 1 minus cos x है, अगर ये डिनोमिनेटर में 1 minus cos square x हो जाएगा तो सर sin square x आ सकता है हमारा, और साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ये रूट एक्स था, रूट एक्स हमने सेपरेटली सबको दे दिया था, सेम वे में हम 1 माइनस कॉस एक्स अगर हमारा क्या कन्वर्ट हो जाए, वे साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हम उस साइन स्क्वायर एक्स को सभी में डिवाइड कर देंगे। सर कैसे होगा यार, 1 माइनस कॉस एक्स अगर आप यहाँ पे इंटू कर देते हो किसके साथ, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स से अगर आप डिवाइड कर दो, अब मुझे बताइए ये वैल्यू क्या हो गई, सर a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होगा सर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका न्यूमरेटर में क्या आ चुका है सर, न्यूमरेटर में मेरा आ चुका है सर, दिस वैल्यू इज cos x प्लस ऑफ cos स्क्वायर x, cos x प्लस ऑफ cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू क्या होगी, so this value is nothing but what, so this is cos x plus of cos square x, and tell me 1 minus cos square x kya hoga sir, 1 minus cos square x is nothing but what sir, sin square x, this is sin square x, this is dx, ye lo bhai denominator mein sirf ek hi function hai, denominator mein sir ek hi function hai without addition without subtraction, to aap kya karenge सिंपल, ये साइन स्क्वायर एक्स यहां पर दे दीजिए, ये साइन स्क्वायर एक्स आप यहां पर दे दीजिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सो दिस क्वांटिटी इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सर साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स इनटू 1 अपॉन साइन एक्स,
dx plus this cos square x divided by this value is sir cos square x divided by sin square x dx. So this quantity is come out to be sir cos x divided by sin x is nothing but what sir cot x. So this value is nothing but what? So this value is nothing but cot x. And 1 upon sin x is nothing but what? Sir, 1 upon sin x is nothing but sir cos x. This is nothing but what? Sir cos x dx. And this value is tell me. 1 of cos square x divided by sin square x is nothing but cot square x. This is cot square x dx. My dear, जो आपको फॉर्मूला लिस्ट बताई थी उसमें आपने इसका तो फॉर्मूला देखा है, मतलब ये तो काम हो गया, बट इसको अगर देखें cot square x, मुझे बताइए cot square x का कोई फॉर्मूला देखा आपने? नो सर, कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा cot square x का तो उस फॉर्मूला लिस्ट में. तो आप क्या करेंगे सर, cot square x कैन बी रिटन एज व्हाट? दिस कैन बी रिटन एज cos square x minus 1. टेल मी this quantity can be written as what sir cos x square minus 1. yes or no? yes sir. bas ab aapko kya karna hai, simple sa integration karna. this is integration of cot x into cos x dx plus integration of cos x square x dx minus of integration of dx. bas ab aap integration kar dijiye. cot x cos x dx का इंटीग्रेशन क्या है? सर दिस इज नथिंग बट व्हाट सर माइनस ऑफ cos x. दिस इज नथिंग बट व्हाट सर दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ cos x. टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x इज नथिंग बट माइनस ऑफ cot x. दिस वैल्यू इज माइनस x. लेट्स सी, दिस इज योर आंसर. दिस इज नथिंग बट योर आंसर. कितने लोगों को समझ आया भाई? हाफ एंगल में करने की जरूरत ही नहीं थी राजेश्वरी जी. ओके चलिए चलिए चलिए, डिवाइड बाय 20 पेन बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2. इट्स स्पाइडी बॉय. भाई क्या चाहते हैं? यहां हम इंटीग्रेशन पढ़ कर रहे हैं. आप जो है कि 20 पेन को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2 शीला और संगीता के बीच में. भैया बाद में कर देना यार डिवाइड, भाई बाद में डिवाइड कर देना. स्पाइडी बॉय जी बाद में डिवाइड कर देना भाई. शीला संगीता को पेन जो आपको देना है दे देना भाई बाद में, और जिस रेशियो में आप चाहो 3:2 में ही क्यों, जिस रेशियो में आप चाहो उस रेशियो में दे देना. आपका मन हो तो एक ही शीला को पूरे पेन दे देना, संगीता को कुछ भी पेन मत देना. बट यार क्लास में आके डिस्टर्ब मत करो, शीला संगीता मत करो यार, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं शीला संगीता सुन के. ठीक है चलो यार, बड़ी मुश्किल से तो वो बेचारे पढ़ने में मन लगा रहे हैं, उनका वैसे ही पढ़ने में मन नहीं लगता. आप यहाँ पे शीला संगीता और करेंगे तो उनका तो हो गया मन, फिर तो पढ़ लिया उन्होंने. ठीक है चलिए कोई बात नहीं, चलिए 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 यार. तो अब आपको देता हूं मैं एक क्वेश्चन जो है, आप सभी को होमवर्क देते हैं. होमवर्क के लिए भी अभी आपने इतना कुछ पढ़ा नहीं, होमवर्क और डीपीपीस जो है आपको नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे. तो सभी लोग टाइम नोट कर लें कि कल हमारी क्लास कितने पर होगी. सभी लोग टाइम नोट कर लीजिए, कल हमारी क्लास होगी डियर 11 AM पर. 11 AM पर हमारी ये क्लास होने वाली है. एंड अभी जो है हम 1:30 पर, यस 1:30 PM पर, जस्ट 30 मिनट्स बाद. तो आप सभी लोग भाई लंच वगैरह अगर जिसने नहीं किया है कर लीजिए. हम क्या करेंगे इसमें, हम क्वेश्चंस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चन जो पीएसयू और ईएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. और सर ये जो क्वेश्चन है ये आपके गेट लेवल के नहीं है, बट हाँ आपके गेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे बेसिक से. बट आपको जो क्वेश्चन बैंक के लिए आप वरी होते हैं कि सर कहां से करें, तो आपको ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करना है तो आपके लिए सेशन 1:30 पीएम पर मैं लीनियर अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा जो पीएसयू एग्जाम और इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके चलिए भाई, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. सर आप कौन सी कोचिंग में हैं यार?
ये आपको दिख रहा है अनअकैडमी, यार आप वहीं पर खड़े होके यहीं पर पूछ रहे हो यार, क्या हो यार आप। चलिए चलिए, और आप में से जितने स्टूडेंट भी गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम के लिए सीरियस है और चाहते हैं कि सर मुझे 1 digit rank या 2 digit rank लेकर आनी है सर आपके पर्सनल गाइडेंस में, तो माय डियर आपको अगर क्वेश्चन बैंक, डीपीपी, आपको डेली डोज कंसेप्ट, इन सभी पर वर्क करना है, आपको अपने आप पर कमांड करनी है, तो डियर ज्वाइन पल्लव लाइव टीम नाउ ताकि आपको सारी चीजें अवेलेबल हो सके। सर क्या कैसे करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है गेट एंड ईएससी, आपको सर्च करना है वहां पर जाकर, आपको प्लान चूज करना है प्लस एंड देन चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 month, 18 month और 24 month, एंड कोड आपको क्या यूज करना है, पल्लव लाइव। और भैया आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, कोड आपको पल्लव लाइव ही यूज करना है, क्योंकि भैया गेट एंड ईएससी मतलब पल्लव लाइव। सर कैसे, क्योंकि भैया आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, 28 मार्क्स जो है बिना इन 28 मार्क्स के आप भैया गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम में 1 digit rank 2 digit rank सोच भी नहीं सकते, लाना तो छोड़िए। और अगर आपको सीरियसली लेकर आना है तो इन पर कमांड करनी पड़ेगी, और गेट एग्जाम आपसे मार्क्स पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि टेक्निकल में कितना है, नॉन टेक में कितना, आपसे पूछेगा मार्क्स कितना है, मार्क्स अगर आपका इतना है तो आप एलिजिबल हो, और मार्क्स के लिए भैया पल्लव लाइव टीम से ज्यादा जो वेटेज है किसी भी सब्जेक्ट का नहीं, तो आपको अगर चाहिए कि सर मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है तो मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर टीम को ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। और अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज आइकॉनिक, देन अपना प्लान चूज कीजिए 12 month और 24 month में से, एंड सेम चाहे वह प्लस हो चाहे वह आइकॉनिक हो, कोड आपको क्या यूज करना है, पल्लव लाइव। और आप में से जिस भी स्टूडेंट ने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पर जाके अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ईएससी, वहां पर सर्च कीजिए पल्लव पर और वहां पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए, आप डायरेक्टली मुझे इस लिंक के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। और ये है इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, किस एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम के लिए, सर किन ब्रांचेस के लिए, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांच, आईएन ब्रांच, एमई ब्रांच, एक्ससी ब्रांच, पीआई ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए। तो सर आप सभी स्टूडेंट इन चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सके। तो चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके सर, डिफरेंशियल कैलकुलस कहाँ है, डियर आप प्लेलिस्ट में जाइए, अनअकैडमी गेट एमई चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सर्च कीजिए आप, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस की चीजें। ओके यार अभी मैथ्स चल रहा है, मैथ्स कीजिए, फिर एप्टीट्यूड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड हिट द लाइक बटन, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया जल्द से जल्द लाइक करें, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो, नहीं लगा है तो नो नीड माय डियर। ओके अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करें और उसे शेयर करें, और जल्द से जल्द जो भी स्टूडेंट सीरियस है और गेट प्लस से जुड़ना चाहते हैं तो डियर आप सभी लोग पल्लव लाइव टीम से जल्द जुड़ जाए। थैंक यू सो मच। It's time to experience some...
It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. We'll be right back.